नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सो आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि अपना वीडियो किसके रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको पता होगा कि DUET PG का जो एग्जाम था वो 21 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया था, और आज 21 नवंबर हो गई है और 1 मंथ हो गया पूरा, और इसकी तरफ से NTA की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, यानी कि कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है जो कि एक इंस्टीट्यूट की तरफ से होना चाहिए। जिस प्रकार से इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ऑटोनॉमस होने का फायदा ये कि ये अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, गवर्नमेंट इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, और इसको फ्रीडम इसलिए दी गई ताकि ये अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा पाए और सारे काम सिस्टम से हो जाए। पहले से DU का एग्जाम आपको पता अलग होता था, BHU का अलग होता था, CUET जो JNU सबके अलग अलग होते थे, और इस बार इन्होंने क्या करा, DU को छोड़ के बाकी सबका एक एग्जाम कराया, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। NTA जो कि नेट का पेपर करा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और JEE और मेडिकल जैसे एग्जाम करा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि इंडिया इज फ्रॉड इंस्टीट्यूट, इससे बड़ा कोई फ्रॉड इंस्टीट्यूट है नहीं जो इतने सारे स्टूडेंट के साथ एक साथ खिलवाड़ कर रहा है। कहीं पे भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भी सिस्टम से सबको ट्रांसपेरेंसी दिख रही हो कि हाँ अब ऐसे होगा, अब शेड्यूल होगा, इसके अकॉर्डिंग सारा काम चलेगा। हर काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी आ रही है। बहुत से स्टूडेंट के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उनके आंसर की में प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, और आंसर जो उन्होंने सेलेक्ट करे वो दिखाई नहीं रहा है। तो अभी अपन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज DUET के लिए इसकी वजह से ये हो रहा है। एक तो इसका सेशन लेट हो रहा है कि पूरा सेशन ही लेट हो रहा है, और जब DU को अपन मेल करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सारा काम NTA का है। जब तक NTA उनको फाइनल स्कोर कार्ड नहीं दे देगा तब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि DUET है जो अब सारा जो जो सिस्टम है वो NTA को सौंप दिया, तो NTA का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सबका स्कोर कार्ड जारी कर दे और फाइनल आंसर की दे दे। इसके बाद ये सारा स्कोर कार्ड DUET के पास पहुंचता है, वो सारे क्योंकि डिपार्टमेंट है वो सारा DUET के अंडर में आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीट, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस क्या बनाते हैं, एडमिशन लिस्ट बनाते हैं। तो जब तक इन लोगों के पास फाइनल स्कोर कार्ड नहीं पहुंचेगा तब तक ये लिस्ट नहीं बना पाएंगे, तो तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो दिक्कत ये कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, दिक्कत ये कि NTA के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक पेपर बनाना होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर ये लोग करेक्ट नहीं बना पा रहे। 2 घंटे का पेपर होता है, कई सेंटर पर ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो पूरी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भी कैसे काम होगा, तो इनको खुद को नहीं पता। सबसे बड़ी बात, DU को मेल करते हैं कोई रिस्पॉन्स आता है, NTA को मेल करते हैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि अपन मेल कर देते तो ऐसा लगता है कि वो स्पेम में चला जाता है, वो देखते ही नहीं है। DUET वाले बोलते हैं कि NTA कर देगा, तो अब इसकी जिम्मेदार प्रॉब्लम सब अपने को हो रही है। तो सेशन लेट हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 100+ स्टूडेंट होंगे जो तो बार बार यही मैसेज करते हैं कि सर मेरा BHU में एडमिशन हो रहा था मैंने नहीं लिया, CU राज्य में एडमिशन ले कि नहीं ले, HCU की फीस डिपॉजिट कराएं कि नहीं कराएं, CU हरियाणा की पोस्ट फीस डिपॉजिट कराएं कि नहीं कराएं, CU पंजाब में काउंसलिंग में भाग लेने जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि उनका DU का जो स्कोर है वो बाउंड्री पे किसी का अच्छा स्कोर है, तो वो उसके मन में भी ऐसा आ रहा है कि मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। तो कितने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ प्रॉब्लम हो रही है और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो नेट का रिजल्ट आया था, तो उसके नेट के रिजल्ट में क्या हुआ, इन्होंने रॉन्ग आंसर की डिक्लेयर करी थी, रॉन्ग आंसर की बेसिस पे इन्होंने कट ऑफ जारी कर दी है। अब जिस स्टूडेंट का नंबर आ गया वो तो खुश है, पर कोई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 1-2 मार्क्स से रह गए, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तो अब ये भी डाउट होने लग गया है कि जो स्कोर कार्ड और जो फाइनल आंसर की आ रही है, जो रॉन्ग आंसर की DUET की NTA ने रिलीज करी, क्या उसमें चेंजमेंट होगा भी या नहीं भी होगा, कोई भी सिंगल नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई रिस्पॉन्स है कि हमारा आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे हम क्या करने वाले हैं, इनको खुद को भी नहीं पता है कि आगे होगा क्या। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो और सब लोग मेल कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने से सोचा कि अपन सब लोग मिलके, अभी तो देखो थोड़ा लेट हो गया, तो सुबह सभी अपन 9 बजे सारे लोग हैं वो सबको सेम मेल करना है, और जो नंबर दे रखे हैं उन पर कॉल करना है, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है। अगर ये इनको भी नहीं सुनेंगे तो फिर अपन ट्वीट करेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट दो, हमने पेपर दिए हुए 1 महीना हो गया, कोई रिस्पॉन्स की नहीं है, फाइनल आंसर की नहीं है, तो एडमिशन कैसे लेंगे। और एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है, तो सभी को मिलकर सब काम करेंगे तो मे भी कुछ सोल्यूशन हो जाए, अपनी बात सुन ली जाए। किसी एक या दो के करने से वो लोग बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं, अगर कोई गलत है और उसको वो सही भी कर देंगे, जैसे कि नेट के रिजल्ट में उन्होंने करा है, गलत आंसर की थी तो थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे 1000 लोगों ने अराउंड लगभग ट्वीट करा, फिर भी उसकी बात को नहीं सुना गया और उन्होंने क्या करा, रॉन्ग आंसर की बेसिस पे ही रिजल्ट दे दिया। तो बस ये डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि स्कोर कार्ड और फाइनल जो आंसर किया है उसमें कहीं जो रॉन्ग दे रखे हैं उसमें 1-2 को करेक्ट कर दे, वो कर लेते हैं, और रॉन्ग आंसर की देना इनके जानबूझ के देते हैं ताकि इनको अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए। उसको सुनने वाला कोई है नहीं कि भाई कितना रेवेन्यू आया, कोई पूछने वाला नहीं है, सबसे अलग अलग फीस ली जा रही है। जैसे कि CUET में आप देखा होगा कि हर यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग है, इतना मतलब हायर एजुकेशन के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि अपन सोच नहीं पा रहे कि कितने पैसे जा रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कल सब 9 बजे अपने जो मेल करें, pg@admission.du.ac.in पे भी मेल करना है अपने को, और duet@nta.ac.in पे मेल करना है, और ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 0114075900, इस पे अपन को कॉल करना है, और मेल में अपने लिखना है कि डियर सर मैम रिस्पेक्टेड, कि वी आर रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज
रिलीज द फाइनल आंसर की एंड स्कोर कार्ड फॉर DUET PG एडमिशन विच फॉर टेस्ट विच इज हेल्ड इन 21 अक्टूबर. इट्स अराउंड 1 month एंड दे वी डोंट हैव एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम यू. So please release it as soon as possible. Our result is going to be late and our session is also going to be late. And we have no opportunity for to take admission in other university like BHU, HU, CU Rajasthan, CU, HU. तो ये सारी प्रॉब्लम अपन मेंशन करके अपना नाम लिख दें लास्ट में और अपने जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो लिख दें और जो रोल नंबर लिखे तो रोल नंबर लिख दें. तो ये सारी डिटेल अपने को क्या करनी है, सबको मेल करनी है और कम से कम उनके पास 500 प्लस मेल जाएंगे तो मे बी उनको कुछ आइडिया लगे कि भाई यहाँ प्रॉब्लम चल रही है. अगर अपन 5 आप लोगों ने कर दिया, 2-4 मैंने करवा दिए, 10-12 किसी और ने करा दिए, 20-25 मेल होते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला अपने को. एटलीस्ट 500 प्लस मेल होने चाहिए. मैं कभी नहीं बोलता आपको कि वीडियो को शेयर करो या इसको भेजो उसको भेजो, बट इस वीडियो के लिए प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जो स्टूडेंट DUET का एग्जाम दिए उन सब तक ये बात पहुंचे ताकि वो सब लोग मेल करें तो कुछ सोल्यूशन निकले. क्योंकि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुनेगा तो ऐसे चलता रहेगा जैसे कि अपन को उम्मीद थी, सबको था, मेरे को वैसे था कि इस वीक तक आ जाएगा. ये वीक भी चला गया, 14 नवंबर से 21 नवंबर हो गया. मैं सोचा कि इस वीक में जहां तक लग रहा था कि 20 नवंबर के अराउंड वो लोग दे देंगे, संडे शाम तक दे दें मे बी, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है. तो अभी अपना ये है कि 25 से पहले पहले दे दें तो अच्छा है, 25 तक दे देते हैं और ना फिर अपन ट्वीट करके कुछ और सोल्यूशन देखें. बट आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके 500 प्लस मेल है वो जरूर करें, क्योंकि अगर इससे कम करते हैं तो कुछ नहीं होगा. एक साथ इतनी मेल जाती है, सेम मेल जाती है, सेम रिस्पॉन्स आता है तो वो लोग कुछ सोचेंगे भी करने के लिए और किसी एक एक करने से कुछ नहीं होने वाला. और ये आप सभी लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है, ताकि अब स्टूडेंट का विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है. अब कोई क्यों इतना वेट करेगा, वो सोच रहेगा कि यार इतना लेट हो रहा है तो फिर मैं IIT का फॉर्म ही फिल कर देता, मेरा एक साल बच जाता, मैं IIT के लिए भी प्रिपेयर कर लेता क्योंकि फरवरी में तो उसका एग्जाम हो जाता है. अभी दिसंबर तो ये लोग ऐसे ले आएंगे, जनवरी तक इनके एडमिशन प्रोसेस होंगे तो फिर एक महीने तो बचेगा, तब तक तो बंदा IIT के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है और उसका ये टाइम भी जा रहा है. तो इस टाइम में ना तो आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, ना ही कोई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बैठ पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है. तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल 9 बजे अपन को इस पे मेल करना है और कॉल करना है ताकि कुछ सोल्यूशन अपने को मिल सके. सो आई होप आप सब लोग ये काम करेंगे. अगर नहीं भी करते हैं तो मेरा यही कर्तव्य था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी क्या करना चाहिए. मैंने भी खूब मेल करें दोनों पे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तो अपन सब लोग एक साथ करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कल वो लोग रिस्पॉन्स दे दें तो अपने पर कुछ हो सकता है, वरना तो अपन ऐसे ही जैसे चलते आ रहे, एक वीक और चलेगा, जब मन करेगा उनका दे देंगे, जब मन करेगा तो नहीं देंगे. अभी वो फ्री भी है क्योंकि उन्होंने NTA ने नेट का रिजल्ट भी जारी कर दिया है. जैसे ही देखो, सबसे जो इंस्टीट्यूट प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है उसको अपनी जो वैल्यू होती है उस प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होता है. जैसे HRDG है, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो है, HRDG CSIR का डिपार्टमेंट है. तो उन्होंने जैसे ही NTA ने क्या करा कि फाइनल स्कोर कार्ड जारी करा, उसके विद इन 2 वीक में उन्होंने पूरा फाइनल कट ऑफ दे दी. 2 वीक ने 10-12 दिन में दे दिया. अभी जैसे ही NTA क्या करेगा, फाइनल स्कोर कार्ड DUET को सौंप देता है तो उसके बाद DUET पे प्रेशर रहता है कि वो जल्दी से जल्दी कट ऑफ डिक्लेयर करे, क्योंकि उनको अपने एडमिशन सेशन को लेट नहीं करना होता. जैसे ही NTA स्कोर कार्ड दे देगा तो विद इन वीक में, 1 वीक के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एडमिशन लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि उनका काम ही क्या फिर, तो उनको तो लिस्ट बनानी है, पर फाइनल स्कोर कार्ड है सब कुछ, वो सारा काम NTA को ही करना पड़ेगा. तो पूरी प्रॉब्लम है वो NTA की तरफ से चल रही है. अब अपन सोच रहे हैं कि कोशिश ये करेंगे कि NTA अपनी बात को सुन ले और वो लोग रिस्पॉन्स जो स्कोर कार्ड है और जो फाइनल आंसर के वो डिक्लेयर करते हैं ताकि अपने को मार्क्स का पता लगे, कट ऑफ आइडिया, वो सब तो बाद की बात है कि रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या सिस्टम होगा, पर एटलीस्ट स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की तो आए. सो आई होप आप सब लोग मेल करेंगे और मेल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप ये देख सकते हैं pg@admission.du.ac.in और duet@nta.ac.in और ये नंबर है. सो सबको बताएं ताकि सब लोग करेंगे तभी कुछ होगा, किसी एक करने से कुछ नहीं होगा. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड Thank you.